नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज आप जैसे कि देख पा रहे हैं, नीचे में आप बेंजो देख रहे होंगे, तीन पीस, जिसमें का बेंजो काफी सुंदर दिख रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। और अभी मैं हूँ बेंजो जहाँ पे बनता है उस जगह पे हूँ, मतलब बेंजो मैन्युफैक्चरिंग होता है यहाँ पे, बनता है इस जगह का। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि कैसे कैसे बेंजो यहाँ पे, क्या क्या चीज है और रेट क्या है बेंजो का, किस तरह का बेंजो है यहाँ पे। देखेंगे आप, अलग अलग तरह का बेंजो है यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं। छोटा सा एक बेंजो है, और इधर जो बेंजो हम बटन बेंजो ज्यादातर यूज करते हैं वो बेंजो इधर है। मैं अभी बेंजो का आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ, किस तरह से आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं उसको भी बताऊंगा। पिछले टाइम जब मैं यहाँ आया था तो आप लोग को स्क्रीनशॉट फोटो दिखा दूंगा कि यहाँ पे ना पूरा ऐसे बेंजो रखा हुआ था, टोटल बेंजो ऐसे रखा हुआ था। अभी पूरा का पूरा बेंजो यहाँ से बिक चुका है। बेंजो का क्वालिटी भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह का बेंजो बचता है और कैसे इसको आप खरीद सकते हैं, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं कि बेंजो कैसे दिखता है और किस तरह का बेंजो ये बचता है। सब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दो पीस बेंजो है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। वो जो बेंजो है या दुकान का बेंजो है, डेमो बेंजो है। अगर कोई कस्टमर यहाँ पे आता है तो उस बेंजो को हम बजा के दिखाते हैं ताकि कस्टमर को समझ में आए कि यहाँ का बेंजो का ट्यूनिंग कैसे है। तो वो बेंजो पे भी ध्यान नहीं देंगे, वो खाली डेमो बेंजो है। अभी हम ध्यान देंगे इन दोनों बेंजो में। तो इसको आप देख सकते हैं, एक्रोलिक सीट का ये बना हुआ है, और ये बेंजो भी उसी तरह का काफी शानदार लुकिंग के साथ ये बेंजो बना हुआ है। आप सब देख पा रहे होंगे किस तरह का ये लग रहा है, देखो बहुत क्वालिटी दार। और इसमें एक चीज़ और आपको बताते हैं, लुकिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छा क्यों आ रहा है खिलकर। इसका चाबी जो आप देख सकते हैं, चाबी अभी इसमें आपको अलग तरह का दिख रहा होगा। पहले चाबी जो है ना इस प्रकार का लगता था, आप सब देख सकते हैं इस प्रकार का चाबी पहले लगता था, अभी इसमें चाबी अलग तरह का लगा है। ये और हाई क्वालिटी का चाबी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये चाबी सिर्फ यहाँ नहीं, पूरा ये जितना भी आप चाबी देख रहे हैं टोटल यही वाला चाबी लगा हुआ है। बेंजो जो है मेन, जो यहाँ पे मेन जो ब्रिज होता है, यहाँ पे तीन तार है, एक बेस मोटा वाला, ये पतला बेस, और ये मेन तार। तो मेन ब्रिज में दो तार का रहता था, अभी तीन तार का हो गया है। तो तीन तार इसमें भी दिया गया है और इस बेंजो में भी तीन तार दिया गया है। इसका क्वालिटी मैं आपको बजा करके भी सुनाऊंगा, बजा करके जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो को इसमें इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये बेंजो किस तरह का बजता है। अभी मैं आपको इसका झाला का थोड़ा सा ट्यूनिंग सुना देता हूँ कि इसका झाला किस तरह से आवाज करता है मेरे पास यहाँ। और देखिए यहाँ पे ना कोई डीडी थ्री फिट नहीं हुआ है अलग से इको के लिए, ये डायरेक्ट स्ट्रेंजर बॉक्स में गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा स्ट्रेंजर बॉक्स में गया। और यहाँ क्वालिटी हम चेक करते हैं, इस तरह का करते हैं, बटन को नीचे करेंगे तो बड़ा पिकअप हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो छोटा पिकअप। अब छोटा पिकअप क्यों लगा रहता है, हमेशा मैं वीडियो में बताता हूँ। छोटा पिकअप जो है वायलिन का काम करता है, और इसी को हम बड़ा पिकअप से अभी चलाएंगे तो देखना कम बजता है, लेकिन बजेगा वैसे, लेकिन कम बजता है, ठीक है। तो इस तरह से छोटा पिकअप दिया रहता है ताकि वायलिन जो है इसको हम चला सकें, ठीक। और इसका झाला जो है वो देखते हैं, तो आप सब देख पा रहे होंगे वॉल्यूम बटन यहाँ पे दिया है, वॉल्यूम कम करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो को मैं आपको दिखा दूंगा और अलग से
यहाँ पे देखिए दो पीस बेंजो बना है ऑर्डर पे, ये दोनों बेंजो ऑर्डर का है, तत्काल आपको नहीं मिल पाएगा। और इसका बक्सा का जो क्वालिटी है, जो बॉक्स हम बोलते हैं, वहाँ पे भी आपको क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूव नज़र आएगा। देख सकते हैं, पहले जो बॉक्सा होता था बेंजो का वो नॉर्मल इस तरह का होता था, देख सकते हो, लेकिन अभी जो है थोड़ा चेंज किया गया है, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है बॉक्स में भी और बेंजो पे भी। आप बेंजो का वीडियो देख के पता लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्वालिटी बढ़ाया गया है। यहाँ पे जो झाला है वो पहले 4 तार का आता था, अभी 5 तार इसमें कर दिए हैं। स्वर मंडल में आपको मिल जाते हैं 8 तार, जिसमें सारे गमा पधा निशा बजा सकते हैं। तो इस तरह का ये बेंजो है। तो अगर आप इस बेंजो को खरीदना चाहते हैं या इस तरह का बेंजो अगर आप खरीदना चाहते हैं, ऑर्डर पे बनवाना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉप का नंबर दे दिया हूँ, एड्रेस भी दे दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये किस जगह पे है और कैसे यहाँ पे हम बेंजो ऑर्डर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये है बेंजो, और यहाँ पे बहुत सारा बेंजो और भी बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि ये अभी क्वालिटी में इम्प्रूव करके बनाया गया है। और भी बेंजो है यहाँ पे बहुत सारा, अभी देख सकते हैं पहले बेंजो इस तरह का बनता था अभी, और मैं भी यहीं का बेंजो यूज करता हूँ। आप सब देखे होंगे शुभम बेंजो, मैं जो बजाता हूँ ना वो शुभम बेंजो ही है, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप अच्छा क्वालिटी का बेंजो चाहते हैं तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ दुकान का, आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और इस तरह का बेंजो आप भी बनवा सकते हैं। तो ये काफी सुंदर बेंजो है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी ऐसा बेंजो हो तो बिल्कुल एक बार उस नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए और आप भी इस तरह का बेंजो बनवा सकते हैं कम दाम का। तो चलिए, इस तरह का बेंजो अगर आपको बनवाना है या इससे भी और अच्छा आपको बेंजो बनवाना है, सब प्रकार का बन जाएगा, इससे कम का भी बन जाएगा, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर में कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए और आप भी इस तरह का बेंजो बजाइए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।